शुरू का रुख करेंगे जहां पर एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सास और पति इस महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस महिला की सास और उसका पति इसके साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। वार्ड नंबर 46 निवासी प्रीति के साथ ये मारपीट हुई है। दिनेश मोदी और उसकी माँ ने ये मारपीट की। घटना के दौरान तमाशबीन पूरी भीड़ बनी रही, किसी ने इस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। पति मारता गया, सास मारती गई, वीडियो भी बनता गया, वीडियो वायरल भी हुआ। लेकिन वीडियो बनाने वाला वो शख्स जो था इसी भीड़ में शामिल था जिसने वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने भी इस भीड़ में से किसी एक इंसान ने भी इस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। तो एक बार फिर से बता दें, ये जो वीडियो आप देख सकते हैं ये चूरू का वीडियो है। चूरू के सरदार शहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। चूरू के सरदार शहर से ये तस्वीरें हैं। एक महिला के साथ जो बर्बरता दिखाई गई है, लाठी डंडों के साथ उसे पीटा गया है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो बनाई गई, वहां पर बड़ी संख्या में आसपास के लोग मौजूद हैं और उन्हीं लोगों में से मौजूद एक शख्स ने ये वीडियो बनाया। मनोज प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है ये भी बताएं। और बड़ी हैरानी वाली ये बात है कि इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, किसी ने उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वीडियो जरूर बनाया क्या? शादी करने के तुरंत बाद यहाँ पर बड़ी खुशियों से यहाँ पर रस्में मनाई गई, खुशी से शादी धूमधाम से यहाँ पर मनाई गई। लेकिन 6 महीने के बाद किन्हीं कारणों से पीड़िता है प्रीति, उसको प्रेस कांड करना लू कर दिया गया। पीड़िता लगातार पुलिस थाने भी आज तक गुहार लगाती रही है। दो दर्जन से ज्यादा बार पीड़िता है वो पुलिस थाने तक कर पा चुकी, कई मामले पुलिस थाने दर्ज करवा चुकी है और स्थानीय पुलिस है वो भी पीड़िता प्रीति है उसकी कोशिश कर रही है। और ससुराल पक्ष आरोपी बनते हुए कोर्ट न्यायालय में जो चालान पेश कर चुकी है। लेकिन कल जो वीडियो सामने आया है, जो वीडियो वायरल हुआ, उस सीन में बर्बरता पूर्वक है वो ससुराल पक्ष के लोग है वो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी सास है भगवती देवी और उसका पति दिनेश मोदी बर्बरता पूर्वक उसको मार रहे हैं और जो भीड़ है वो तमाशा बनकर उसको देख रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता और उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करता है। जिसके बाद में प्रीति है वो उसको दो युवतियां राज्य अस्पताल पहुंचा के पुलिस है वो बयानों के आधार पर मामला दर्ज करती है। जी जी, ठीक है। पुलिस आगे क्या कार्रवाई को अमल में लाएगी इस बारे में आप जानकारी इकट्ठा करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी के लिए।